हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई फिल्टर सर्किट के बारे में। तो फिल्टर सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग रेक्टिफायर का आउटपुट जो हमें मिलता है तो उसे हम लोग प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर सर्किट्स का यूज़ करते हैं। तो इस फिल्टर सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटर फिल्टर, हमने पढ़ लिया है, और हमने पढ़ लिया है चोक इनपुट फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर में क्या होता है, केवल हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चोक इनपुट फिल्टर में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई फिल्टर सर्किट के बारे में। तो पाई फिल्टर सर्किट जो है, इसका एक और नाम होता है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर में केवल कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग पाई फिल्टर में कैपेसिटर को इनपुट पे लगाते हैं, जबकि इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर यानी हम लोग कह सकते हैं एल चोक का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और इसका नाम पाई फिल्टर क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम लोग इसे अरेंज करते हैं, इसकी सर्किट जो बनती है वो पाई के शेप में बनती है, इसलिए इसे पाई फिल्टर सर्किट कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और कैसे ये वर्क करता है वो भी समझ लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको इसका सर्किट डायग्राम मिलेगा, जहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर आउटपुट प्रोवाइड करेंगे दो टर्मिनल वन और टू से, फिर एक कैपेसिटर सी वन होगा, उसके साथ एक चोक होगा एल, और एक सी टू होगा जिसके अक्रॉस हमें लोड मिलेगा, यानी यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे। तो कुछ इस तरीके का जो हम लोग रेक्टिफायर का जो हमें आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होता है, पल्सेटिंग फॉर्म में होता है, और जब हम लोग यहाँ से लोड से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में प्योर डीसी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में बात करते हैं, यहाँ से शुरू होता है, आपको क्या लिखना है पहले, सर्किट कंस्ट्रक्शन क्या है। पाई फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर कैपेसिटर सी वन, जो सी वन हमारा कैपेसिटर है वो फिल्टरिंग का काम करता है, कनेक्टेड अक्रॉस रेक्टिफायर आउटपुट, जो कि हमने रेक्टिफायर के आउटपुट के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। अचोक एल इन सीरीज, एल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ उसके साथ, और एक अनादर फिल्टर कैपेसिटर सी टू, एक दूसरा कैपेसिटर फिल्टर जो कि लोड के अक्रॉस लगा है, कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। वी कैन यूज सेवरल फिल्टर सेक्शंस टू इम्प्रूव द स्मूथिंग एक्शन, मतलब जैसे कि हमने एक ही एक पेयर का पाई फिल्टर का सर्किट का यूज किया, यानी दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर, हम लोग उससे ज्यादा भी और दो कैपेसिटर एक इंडक्टर लगा सकते हैं, एक से ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग ज्यादा बेहतर आउटपुट के लिए एक से ज्यादा भी कनेक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, द पल्सेटिंग आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल्स वन एंड टू, जो हमें आउटपुट मिलता है पल्सेटिंग नेचर का होता है रेक्टिफायर से, उसे हम लोग वन और टू टर्मिनल के अक्रॉस लगाएंगे फिल्टर के, और फिर फिल्टरिंग एक्शन इन तीन कंपोनेंट द्वारा होगा। कैसे कैसे, कौन सा क्या काम करता है, फिल्टर कैपेसिटर सी वन का क्या काम है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं। इट ऑफर्स लो रिएक्टेंस टू एसी कंपोनेंट, ये एसी कंपोनेंट को लो रिएक्टेंस ऑफर करता है ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट, वाइल इट ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस टू डीसी कंपोनेंट, बल्कि जबकि इनफाइनाइट रिएक्टेंस डीसी कंपोनेंट को ऑफर करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/2πfc, और यहाँ फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए जीरो होती है, तो जो हमें कैपेसिटेंस मिलता है यानी रिएक्टेंस जो ये ऑफर करता है वो इनफाइनाइट, यानी डीसी कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करता है, यानी पास नहीं होने देता है, जबकि एसी को पास होने देता है। तो देयरफॉर इट बाईपासेस एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट, जिसकी वजह से एसी कंपोनेंट को अपने अक्रॉस पास होने दे देता है, बल्कि डीसी कंपोनेंट को नहीं होने देता है, और फिर उस डीसी कंपोनेंट जो है वो चोक एल के अक्रॉस जाता है। अब चोक एल क्या करता है, जो एल है सीरीज में कनेक्टेड है सी वन के अक्रॉस, तो जो एल है वो ऑफर करता है हाई रिएक्टेंस टू एसी कंपोनेंट, बट इट ऑफर्स जीरो रिएक्टेंस टू डीसी कंपोनेंट, यानी ये डीसी कंपोनेंट को अपने अक्रॉस से पास होने देता है। अब जो एल होता है उसके लिए कैपेसिटेंस के लिए एक्सी, जबकि चोक के लिए एक्सएल होता है वो ऊपर ही होता है 2πfL, तो उसके लिए अगर FL जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा डीसी के लिए, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होती है, जैसे कि यहाँ ये डीसी को इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर कर रहा था, जबकि इंडक्टेंस जो होता है इंडक्टर L जो चोक होता है वो जीरो ऑफर करता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ऑफर्स जीरो रिएक्टेंस टू डीसी कंपोनेंट, देयरफॉर इट अलाउज डीसी कंपोनेंट टू फ्लो थ्रू इट, तो ये अपने अक्रॉस से डीसी को पास होने देता है जबकि एसी को रोक लेता है। फिर फिल्टर कैपेसिटर C2 का क्या काम है,
इट बाईपासेस द एसी कंपोनेंट विच चोक हैज फेल्ड टू ब्लॉक। मान लीजिए अब ये जो चोक था ये एसी कंपोनेंट को अपने अक्रॉस से पास नहीं होने देता है, लेकिन ये पूरी तरीके से तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई चीज पूरी तरीके से रोक दे, तो इसमें से भी कुछ कंपोनेंट एसी के पास हो जाते हैं। तो जो थोड़े बहुत बचे हुए कंपोनेंट होते हैं एसी के जो पास हो जाते हैं उसको ब्लॉक करने का काम ये C2 कैपेसिटर करता है, और इसलिए हमें क्या क्या मिलता है आउटपुट में, केवल डीसी मिलता है लोड के अक्रॉस से। तो ये थी इस पूरे चोक इनपुट फिल्टर या फिर आप कह सकते हैं पाई फिल्टर का वर्किंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।